तो लॉकडाउन का डर है कि फिर पिछले बार की तरह फंस जाए तो इतना अच्छा अपने घर पे रहेंगे, जो नमक रोटी अपने घर पे खाएंगे कि परदेश से अच्छा। जैसे पिछली बार होया था, ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गया, किसी की माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, घर पे कोई उठाने वाला नहीं मिला, वैसे जो घर का अकेला है, अगर ट्रेन बस बंद हो जाएंगी, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी घर पे भी, तो कैसे जाएंगे फिर? डर है, कोरोना के लिए डर है। कितना किराया दे रहे हो? हम 1800 रुपया दिए, एक आदमी का 1800 रुपया ले रहा जी। ऑफिस हम लोग 10 दिन के बाद आएंगे या महीना दिन के बाद आएंगे, जब तक जैसे बीमारी हटेगा उसे आएंगे। आप देख रहे हैं बीमारी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो कि हॉस्पिटल का जो है सुविधा आप देख रहे हैं काफ़ी जो है अच्छा नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगने से पहले अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि पिछले साल हम लोग फंस गए थे। तो ये 3-4 महीने से अपना बिहार बस सेवा स्टार्ट की हुई अपने, तो जैसे पिछले साल ये लॉकडाउन लगा था, बिहार के बंदे जो आते हैं काम करते हैं यहाँ पे, काफ़ी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब की बार जो पिछली बार इनके साथ हुआ था, जैसे लगा लो लोगों को खाने को नहीं मिला, बहुतों के साथ ऐसा हुआ, पैदल गए, चप्पलें टूट गई, पैदल ही गए, नंगे पैर गए, तो पिछली बार को लेके अब की बार काफ़ी लोगों के मन में डर बना हुआ है। हमारे पास ये लगा लो जी ऑल ओवर बिहार कि यार यह सर लखनऊ से स्टार्ट हो, लखनऊ, गोरखपुर, फैज़ाबाद, गोपालगंज, पटना, पूर्णिया, सारी जगह की सवारी आती है हमारे पास। ये लगा जी हमारे पास है, इस लॉकडाउन से जब की स्टार्टिंग से हुई है, तो ये लगा लो 150 से 200 बंदे जा चुके हैं हमारे यहाँ से। किराया हमारा ये लगा लो 1400 से 1500 रुपया जी एक बस में। ये लगा लो जी अभी तो 40-45 के आसपास बंदे जाते नहीं, वैसे 55-60 सीटर हमारी बसें हैं, तो उसमें 40 बंदे 45 बंदे ही जाते हैं।